चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं ताकि आप समझ जाएं इस वीडियो में क्या होने वाला है आने वाली में। ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है और रॉक्सी चीनी की डाइट हम इस वीडियो में बताएंगे और मंथली एक्सपेंसिव कितना खर्चा होता है वो बताएंगे और रॉक्सी चीनी के लिए कुछ शॉपिंग भी करेंगे। डॉग्स के अंदर हेयरफॉल होते हैं कैसे बचें क्या करें वो चीज़ बताएंगे और हम बताएंगे डॉग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है वो बताएंगे। डॉग की हाइट को कैसे ग्रो करें जल्दी से जल्दी वो बताएंगे। डॉग के हेड को कैसे ग्रो करें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं रॉटवाइलर पिटबुल के हेड को कैसे ग्रो करें। डाइट आफ्टर पार्वो मतलब पार्वो होने के बाद डॉग की कैसे रिकवरी करें कैसे हेल्थ को ठीक करें स्टॉप बाइटिंग कैसे करें पप्पी ट्रेनिंग और डीवॉर्मिंग सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। अलग अलग वीडियो की देखने की जरूरत नहीं। भाई मेरे पे सूरज देखो देख रहे हो गोल गोल ये यहाँ पे ये छोटा हो गया। हे गाइस कैसे हो आप सब लोग आ चुके हैं न्यू वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस है मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं उन सबके क्वेश्चन है जीने का वो सामान लेने के लिए और सब सामान लूंगा जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैंने क्या क्या लिया। तो चलो गाइस मेरे पास यहाँ पे 5000 रुपए हैं जिसमें डॉग फूड मल्टीविटामिन कैल्शियम वो सब चीजें मैं आज लेने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। एक मल्टी स्टार एक बॉन टैप लीवर 52 लीवर 52 हाँ डोरेंटल प्लस 4 टेबलेट यहाँ पे मैंने ये सब ले लिया है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कितने रुपए का ये सब तो ये मैं चल के बताऊंगा घर पे किस तरीके से ये सब यूज करना है आपको। अभी बहुत वीडियो बची है चलो। यहाँ पे ये मेरे पीछे पीछे आ गया गली में से तो ये सामान तो मैं ले आया हूँ अभी मैं सोच रहा हूँ इसको पहले कुछ खवाऊं तो इसको खवाते मुझे देखो कितना पागल सा हो गया एकदम मुझे देख के। खा ले बेटा यार मैंने इसको ना उसमें नहीं दिया मेरे को उसमें देना चाहिए था इसका यहाँ पे ये रखा हुआ है। वैसे तो मैं खुला के देता हूँ बट मैं इसको दे देता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा नहीं दूंगा थोड़ा ही दूंगा। कोई नहीं अब शाम को खिलाएंगे जा रहा हूँ रॉक्सी चीनी को भी खिलाना है भैया वीडियो बनानी है आगे। ये देखो सामान आया नहीं रॉक्सी और चीनी एकदम तैयार है चीनी को देख रहे हो चीनी मत कर इधर आ चीनी इधर आओ हट जा देख रहे हो बिल्कुल नहीं हटेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो तू पिटेगी अगर नहीं हटेगी तो ध्यान रखिए एक बार रॉक्सी। तो चलो अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ये क्या क्या सामान है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होने वाला है रॉक्सी चीनी को भी खाना भी दूंगा मैं उसमें बताऊंगा मैं इनको कैसे खाना देने वाला हूँ। तो चलो अब मैं जैसे मैंने आज लिस्ट बनाई थी उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ कहाँ आएगी आपके। ये देखो ये बॉन लेके भाग गई ये पाबली बॉन लेके भाग गई मैंने यहाँ रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक्सी चीनी की डाइट के बारे में। तो देखो मैं उनको रॉयल कैनन दे रहा हूँ ठीक है ना ये मंथ में मेरे 4 खर्च हो जाते हैं इस तरीके के अगर मैंने देता हूँ तो और ये लगभग 1 हफ्ते 1 चलता है। और हाँ एक बात और क्लियर कर दूँ मैं रॉक्सी चीनी को सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम ही खाना देता हूँ जिसमें से कि एक टाइम मैं प्रॉपर तरीके से ये देता हूँ एक टाइम मैं घर का खाना देता हूँ। घर के खाने में मैंने दाल चावल अंडे और क्या कहते हैं रोटी ये सब देता हूँ और पनीर भी देता हूँ ठीक है ना और बाकी इस ये जब खाली देता हूँ तो इसमें मल्टीविटामिन कैल्शियम ऐड करके देता हूँ ठीक है ना एक टाइम ये मिलता है इनको तो 2 टाइम इनका ये डाइट हो गई। अब आते हैं मंथली एक्सपेंसिव पे। तो ये आप तो मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हो रॉयल कैनन ये मेरे को पड़ता है लगभग 2300 रुपये 2200 रुपये 100-200 रुपये ऊपर नीचे मंथली ये मेरे 4 खर्च हो जाते हैं आराम से। और ये जो मल्टीविटामिन कैल्शियम है ये जितने भी रखे हैं ये एक बार खरीदने पड़ते हैं मंथ में तो ये एक बार खरीदो काम चल गया। कुछ चीज़ें ऐसी जो चलती रहती हैं जैसे कि यहाँ पर टिक्का पाउडर है वो मैंने खरीदा है काम हो गया एक बार में खरीद लिया 4-5 महीने 6-7 महीने चल गया आराम से साल भर तक भी चल जाता है। बाकी जितनी सप्लीमेंट है पीने वाले ये मैं भी आपको दिखाऊंगा इनका यूज़ क्या ये मेरे आराम से 1 महीने चल जाते हैं ठीक है ना। तो मैं मोस्टली जो खर्चा है वो डॉग फूड का है और फिर इसके अलावा जैसे आप अंडे देते हो पनीर देते हो उसका खर्चा है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 15,000 अराउंड के आसपास खर्चा हो जाता है अगर मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ घर का जो भी देता हूँ वो भी और डॉग फूड वगैरह देता हूँ वो भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लोगों का हेयर फॉल क्या होता है। तो देखो आजकल रॉक्सी के हेयर फॉल हो रहे हैं एक तो देखो सीजन होता है एक टाइम होता है हर डॉक्टर 5-6 महीने में हेयर फॉल होते हैं नए हेयर आते हैं नया शेड आता है तो वो होते ही हैं। अब बात रही हमारी चीनी की यस की है इसके बाल तो भाई परमानेंट थोड़े बहुत गिरते रहते हैं रुआ वगैरह टाइप का। तो इसके लिए मैं क्या चीज़ करता हूँ सबसे पहली बात तो मैं ग्रूमिंग करता हूँ उनकी प्रॉपर तरीके से इन मतलब कंघा वगैरह मारना ये सब जो डेड हेयर हैं जो एक दिन में जो भी डेड हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है जो कि हमें करनी है वो है ये देखो प्रॉपर डीवॉर्मिंग होना बहुत जरूरी है 10 किलो पे 1 टैबलेट चलेगी ठीक है ना। ये डोरेंटल प्लस मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी कंपनियों की आती है आप यूज़ कर सकते हो ठीक है ना। अभी रॉक्सी का डीवॉर्मिंग का टाइम है तो इसलिए मैं 4 टैबलेट लेके आया हूँ। अब देखते हैं इसका वेट करेंगे अगर इसका वेट 30 किलो तो 3 गोली 35 किलो तो मतलब 3.5-40 किलो तो चार गोली ही चलेंगी इसकी ठीक है ना। उसके बाद में ये आता है सप्लीमेंट एक एडवांस कोटी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आप 5 ml ये एक बोतल पिला लीजिए अगर आपके डॉग के हेयरफॉल को ज़्यादा ही हो रहे हैं स्किन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ये इट विल हेल्प यू अलॉट ठीक है ना। ये आप खाने में मिला के 5 ml दे सकते हैं सीधा उसके मुंह में भी डाल सकते हैं खाना खाने के बाद में ठीक है।
और भाई देखो मल्टीविटामिन, और देखो भाई ये लीवर 52 मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्यों जरूरत होता है, यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ मैं। लीवर 52 एक तो डॉग के जो लीवर होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, उसके अगर डाइजेशन कमजोर है या उसको भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए होता है, प्लस जब डॉग को पारो हो जाता है तो उसके बाद में भी ये मल्टीविटामिन और ये चीज़ दोनों चलती हैं एक साथ में, ठीक है। और मल्टीविटामिन ये रहा, मल्टीविटामिन मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, ये है मल्टी स्टार का, ये मैं शुरू से यही यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली, ठीक है ना। एक कंपनी के और है मैं वो भी यूज़ करता हूँ, वो मैं अदर वीडियो में बताता हूँ आपको, वैसे मैं ये भी और वो दोनों यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आज ये लेकर आया हूँ, वो वाला मेरे खत्म हो गए थे, बोल्ट्स के जो मल्टी स्टार में यूज़ करता हूँ वो मेरे खत्म हो गए थे, तो यहाँ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट के साथ है। तो भाई एक बार ध्यान रखें, यहाँ मैं पार्वो वाली भी बात कर रहा हूँ साथ में, इसी के भी हेयरफॉल के साथ में, कि जब भी आपके डॉग को पार्वो हो या फिर हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो तो उसके बाद में, पार्वो होने के बाद में और हेयरफॉल होते टाइम पे या पहले ही, बल्कि ये चीज़ें आप चलाते रहिए जिससे कि आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर पार्वो से आपका डॉग रिकवर कर गया तो उसकी हेल्थ को कैसे ग्रो करें, तो उसकी ग्रो के लिए आप 5-5 ml ये चलाइए, उसको खाना लिमिट में दीजिए स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दीजिए, डॉग फूड कम दीजिए, उसको ऐसा खाना दीजिए लाइक एग वाइट दीजिए, उसको थोड़ा पनीर दीजिए, पनीर का पानी वगैरह दीजिए, तो वो पक्का रिकवर करेगा। और डोंट वेरी, देखो रॉक्सी को भी पार्वो हुआ था जब वो छोटी थी, लेकिन आज उसकी हेल्थ ठीक है। हाँ वो थोड़ी कमजोर हो गई जब से उसके पप्पी हुए, लेकिन वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि अगर आगे पप्पी को पार्वो हो चुका है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ध्यान रखिए ग्रोथ होने के, पार्वो होने खत्म होने के बाद में उसको मल्टीविटामिन कैल्शियम और लीवर 52 ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, खासकर लीवर 52। उसको कच्ची सब्जी ना दीजिए, उल्टा सीधा खाने को मत दीजिए, उसका बहुत तरीके से ध्यान रखिए। अगले 6-7 महीने तक पक्का डॉग बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, अच्छी हेल्थ हो जाएगी उसकी। फिर बात आते हैं डॉग की हाइट के लिए। देखो डॉग की हाइट के लिए सबसे जरूरी होता है कैल्शियम, क्योंकि डॉग की बॉडी में जो न्यूट्रिशन या फिर जो कैल्शियम उसको चाहिए होती है वो घर के खाने में तो यार देखो प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, तो उसके लिए हमें अदर चीज़ें यूज़ करनी होती है। बहुत से लोगों के घर में नॉनवेज नहीं दे सकते, जैसे मैं भी नहीं दे सकता, तो मैं उसके लिए देता हूँ रॉक्सी चीनी को, एग वाइट, पनीर और ये बॉन टैप की कैल्शियम। कैल्शियम बहुत सी कंपनी के आते हैं, मैं पर्सनली बॉन टैप के यूज़ करता हूँ, मैं स्कूल से यूज़ कर रहा हूँ या फिर बोल्ट्स के यूज़ करता हूँ, आप कोई भी एक कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आराम से ये अमेजोन पे या फिर अपने पास के किसी भी पेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। ये लगभग 150 रुपये का आएगा, सॉरी बिलर हो रहा है, 150 का ये आएगा। अगर बात करूँ पेट स्टार की तो ये लगभग आपको 225 का आएगा, सॉरी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आपके इसकी तो ये 150 रुपये का आएगा लीवर 52। हाँ ये एडवांस कोड थोड़ा सा महंगा आता है क्योंकि ये एक सप्लीमेंट है, ये 410 रुपये का आएगा। हेलो, तो आज मैं आप लोगों को एक टिप्स देने वाला हूँ अपने डॉग की हाइट बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग के 9 महीने के पप्पी तक ही काम करेगी, इसके बाद काम नहीं करेगी, रॉक्सी चीनी पे काम नहीं करेगी, एज ज़्यादा है क्योंकि, लेकिन मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, ये टिप्स 100% काम करेगी। तो करना क्या, अगर आपका एक पप्पी है 9 महीने छोटा है तो आप क्या करते हैं उसको खाना नीचे रख देते हैं, जैसे अभी मैंने नीचे करा, रॉक्सी की निगाह नीचे चलेगी तो नीचे झुक के ही खाएगी, नीचे सिर करके खाएगी। लेकिन अगर आप उसको ऊपर किसी चीज़ पर खाना रखते हैं, स्टैंडिंग कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें आप खाना रख के दे दें, तो क्या होगा, डॉग फूड उसके मुंह के ऐसे पास होगा तो उसे ना हल्का सा ऊपर की तरफ झुकना पड़ेगा, जैसे अभी डॉग की निगाह सामने की तरफ है, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे लेगी जो भी खाना खाएगी ऊपर की तरफ, तो उसे नीचे नहीं झुकेगी, अगर मैं नीचे रख दूंगा तो एकदम नीचे झुक जाएगी। तो ये चीज़ आप ट्राई करो, ऊपर की तरफ खाना रखो, कभी भी नीचे जमीन पर मत रखो, एटलीस्ट उसकी हाइट के बिल्कुल सामने रखो, ये बहुत काम करेगी आपको। उसकी एक्सरसाइज कराएं और उसको कैल्शियम की पूर्ति हो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर डाइट हो तो उसकी हाइट अपने आप हो जाएगी। अब आते हैं टिक्स की तरफ, काफ़ी लोग क्वेश्चन होता है कि उनके टिक्स होते हैं क्या करें कैसे करें, तो टिक्स के लिए दो चीज़ें होती हैं, शैम्पू यूज़ करो, अच्छा शैम्पू हो तो मैं दिखा नहीं रहा मैं अभी, तो वो सब अलग की बात है, लेकिन अब टिक्स अगर हो गए हैं तो क्या करें, मैं वहाँ की बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ नोटिक्स का, यहाँ पे मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। देखो मेरे पास एक स्प्रे भी है, ठीक है, टिक्स का, मैं वो भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं वो पता है क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि पर्सनली मेरे को स्प्रे ना थोड़ा सा पसंद नहीं है यार, मतलब देखो मेरे को ड्रेसा लगता है थोड़ा सा, कि मतलब टिक स्प्रे मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूं और डॉग को कहीं कोई या इन्फेक्शन या फिर कोई खुजली टाइप का हो जाए, तो मैं पाउडर लेकर आया, पाउडर का नो डाउट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये मैं पाउडर लेकर आया, ये मुझे लगभग 230 रुपीज़ का पड़ा है, एक बढ़िया कंपनी का पाउडर है, ठीक है ना, पेट केयर में, तो भाई आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है पप्पी, और उसमें लिमिट में लगाएं, ऐसा नहीं भर दें एक तरफ से, तो ये एक चीज़ हो गई क्लियर हमारी, ठीक है। अब आते हैं अगली तरफ की तरफ, स्टॉप बाइटिंग की तरफ। तो देखो स्टॉप बाइटिंग, जैसे कि चीनी है रॉक्स की, ये आज भी थोड़ी थोड़ी बाइटिंग करते हैं, ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये खेलना चाहते हैं मेरे साथ, तो ये तो हो गया एक नेचर डॉग्स का नॉर्मली, ठीक है ना। दूसरी चीज़, डॉग्स को ना कुछ चबाने को चाहिए, जब उसके दांत आते हैं उसको कुछ चबाने के लिए चाहिए, तो आप उसके लिए टॉय लो, ऐसी बोन लो, ये तो छोटी या बड़ी भी आती हैं, आप जैसा उसकी डॉग की एज हो वैसा लो। और देखो सबसे ज़रूरी बात, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में स्टॉप बाइटिंग का, एक उसमें मैंने ट्रेनिंग बताई कौन कौन सी ट्रेनिंग आप दे सकते हो, वहाँ पर प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग बताई, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वो वीडियो देखो, स्टॉप बाइटिंग की अलग ही वीडियो है प्रॉपर, वो बढ़िया रहेगी। तो गाइस देखो, एक जो डॉग होता है उसका हेड ग्रो करने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, तो देखो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है भाई, कहाँ कैमरे में घुसेगी क्या,
तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करानी है। एक्सरसाइज करने के लिए वुडन के डंबल्स आते हैं, यानी जितना डॉग चीज़ों को चबाएगा उतना उसका जो मसल्स है वो ग्रो होंगी, हेड ग्रो होगा। तो डंबल आता है एक वुडन का, वो आप अमेजोन पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। बहुत से टॉयज़ आते हैं हेड एक्सरसाइज के, वो आप करोगे सर्च तो मिल जाएगा। डॉग कुछ चीज़ पकड़ के खींचता है, वो रस्सी वगैरह आती है टॉयज़ की, वो अगर एक्सरसाइज इस तरीके करेगा तो उसका यही नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन ग्रो करेगा अच्छे से, ठीक है ना। ये तो हो गई टॉयज़ की। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको उसको प्रॉपर डाइट देनी है, उसकी ध्यान रखना, उसके बॉडी वेट के हिसाब से अगर उसको डाइट दोगे ना तो डॉग अच्छे से ग्रो करेगा। हेड जो ग्रो करता है वो दो चीज़ों से ग्रो करता है, एक तो उसके मदर फादर कैसे थे, एक आप उसको हेड की एक्सरसाइज कैसे करा रहे हो, उसको क्या चवाने को दे रहे हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और आज आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ये देखो रॉक्सी, चीनी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, चीनी पता नहीं कहाँ ही चल रही है। अब आते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पे जो है पॉटी ट्रेनिंग का। देखो पॉटी ट्रेनिंग का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जब पप्पी लगभग 4 से 5 महीने का होता है ना, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उस टाइम होती है एक ओनर को, तो उस टाइम उसे क्या करना है, दो चीज़ें। सबसे पहले तो जब भी वो अपनी पप्पी को कुछ खिलाएगा, तो ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ अदर डॉग्स एनिमल्स उसको पॉटी ना करते हों, किसी भी साफ जगह, चाहे वो अपने घर में कराए या घर की छत पे ले जाए, कहीं भी पर्टिकुलर एक ही जगह होनी चाहिए वो, ठीक है, वहाँ ले जाएगा। जैसे ही कुछ खवाएगा, मतलब खवाया ख़त्म हुआ तुरंत ले गया, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। तो दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप करोगे ना तो डेफिनेटली इट विल वर्क। हर 3 घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में, ज़्यादा नहीं, आपको अपने पप्पी को वापस उस जगह लेके जाना है जहाँ पे वो सुसु पट्टी करता है। ध्यान रखना ये बात, अगर आपने ये चीज़ 1 महीने फॉलो कर ली ना, बस 1 महीने आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, तो मैं 90% बता रहा हूँ आपको जो प्रॉब्लम हो रही है ना डॉग, मतलब पॉटी ट्रेनिंग वाली, जो पॉटी कर देता है घर में डॉग, वो आपको 80% उससे रिलीव मिल जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप ये चीज़ ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने ये खुद पर्सनली ट्राई करी है। चीनी स्टार्टिंग में मुझे परेशान करती थी, मैंने बस 1 महीने ये चीज़ फॉलो करी, तो रॉक्सी या चीनी की आदत वही बन गई कि वहाँ पे वो सुसु पॉटी करते थे, एटलीस्ट वो घर में नहीं करेंगे फिर। तो ये आदत आप भी फॉलो करो। ये देखो ये चोर हमारा, ये पता क्या चक्कर में, ये चक्कर में मुझे कैसे रॉयल कैनन मिल जाए। तो चलो मैं इनको खाना वाना देता हूँ, इन मैं दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से मैं इनको देख किस तरीके से रहा हूँ। और कैसे, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो डीवॉर्मिंग टैबलेट्स हैं बहुत से तरीके से दी जाती हैं, बहुत से लोग तो खाने में मिला के दे देते हैं, बहुत से लोग सीधा गले में रखते हैं, ऐसे कर देते हैं वो नीचे चली जाती है डॉग्स के, है नहीं। तो मैं जो मेरा जो सही तरीका है, मैं जिस तरीके से करता हूँ, देखो मैं इस तरीके से करता हूँ, मतलब सुबह ही सुबह, लाइक सुबह जब भी मैं उठा, खाना देने से 2 घंटे पहले मैं रॉक्सी को या चीनी को ये टैबलेट्स दे देता हूँ, उनके मुँह में रखता हूँ और बंद कर देता हूँ, और गला ऐसे नीचे नीचे करता हूँ, अंदर ले जाती है मतलब ऐसे करने से वो, और उसके बाद में मैं ना उन्हें पानी देता हूँ ना उन्हें कुछ खाने को देता हूँ, अगले 2 घंटे प्रॉपर डीवॉर्मिंग हो जाती है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा करने का तरीका यह हो सकता है, आप लोगों का किसी और का तरीका और हो, मेरा तरीका उन्हें अच्छा ना लगे, बट मैं तो भाई ऐसे करता हूँ और मुझे इम्प्रूव मिलता है इस चीज़ से। अब देखो ऐसा खाना वगैरह तो इनका हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सा खाना मैं रॉक्सी को दे रहा हूँ, ठीक है, आओ। तो इनका खाना सुबह हो चुका है, तो मैं सिर्फ अभी मतलब 11 बज रहे हैं लगभग, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही खाना इन्हें दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए। तो मैं जैसे मान लो एक मुट्ठी अगर ये दे रहा हूँ डॉग फूड, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जब ये थोड़ा सा फूल जाएंगे, इतना ही पानी ऐड करेंगे जितना ही फूल जाएं, बस ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे कि बाद में तुम पानी निकाल देते डोल रहे हो, नहीं नहीं इतना नहीं करेंगे, इतना ऐड करेंगे ताकि बस पानी को सोख लें, ठीक है। तो यहाँ ये कैल्शियम की टैबलेट मैं रख देता हूँ, अगर आप कड़ोग ऐसे नहीं खाते तो आप इसको चूरा बना के इसमें घेर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रहा हूँ मल्टीविटामिन 5 ml लगभग, इसमें मैं ऐसे घेर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ लीवर फ्री टू लगभग 5 से 10 ml, अगर आपका पप्पी 6 महीने तक का है तो 5 ml दें, तो ये मैं दे रहा हूँ। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपका पप्पी एकदम फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कभी लाइफ में पार्वो नहीं हुआ, तो कंटिन्यू लीवर 52 ना दें, अगर उसको कोई प्रॉब्लम फील हो या फिर वो खाना ना खा रहा हो, तो आप 6 महीने में एक बोतल ये दे सकते हैं, चलेगा, ठीक है, ज़्यादा ना दे वरना इसकी हैबिट हो जाएगी उसको। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात रही एडवांस कोट की, तो एडवांस कोट मैं शाम के खाने में देता हूँ, एक साथ मैं इतनी चीज़ें नहीं देता, ये मैं 5 ml शाम के खाने में दूंगा, ये भाई बहुत सही चीज़ है, मैं वो पर्सनली ये बहुत पसंद है, तो मैं अगर इसको दूंगा तो ये खा लेगी प्यार से, ये ऐसे ही निड्रामी करेगी कि मतलब इसमें ये मिला हुआ है दवाई, इसमें ये मिला हुआ है, ऐसे नहीं करेगी, ये आराम से खुश होकर खा लेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये एक चिकन फ्लेवर है, ये मल्टीविटामिन एक चिकन फ्लेवर है 200 ml में, तो ये आराम से स्मेल लेके आराम से खा लेगी। तेरे को नहीं मिला बेटा, तूने खाया तो था अभी थोड़ी देर पहले खाना, चल मैं देता हूँ, थोड़ी सी खा ले, थोड़ी सी तू भी खा ले, अगर आपका पप्पी 6 महीने से छोटा है या फिर मतलब 6 महीने 7 महीने तक का है, तो एक बात ध्यान रखना, उसे खाना 100% आपको फुला के ही देना है, खासकर डॉग फूड, ताकि डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। उससे बड़ा है 7-8-9 महीने का है, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि आप उसको फुला के दें। मैं रॉक्सीजन को मोस्टली फुला के ही देता हूँ खाना, अभी तो मैंने आपको डेमो दिखाया इसलिए ऐसे दे दिया था सिर्फ, ठीक है।
ये तो रॉक्सी कैल्शियम की टैबलेट में चवा रही है यहाँ पे आराम से, इसलिए मजा आ रहा है। और गाइस एक बात और बताना भूल गया था, अगर आपके डॉग को कोई भी किसी तरीके की खुजली वगैरह हो जाती है, वो हो जाते हैं रेड रेड से खुज जाता है, वो ज़्यादा जख्म हो जाते हैं थोड़े से, और मतलब खरोंच सी हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी दाने से हो जाते हैं, तो उसके लिए ना आप ये यूज़ कर सकते हैं वो इन्फेक्शन के लिए। ये किस स्किन की ये एक वो आती है, मतलब ये एक तरीके का लोशन है, आप इसे लगाएंगे ना खुजली पे, अगर जहाँ पे भी आपको लगे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको लगाएंगे तो बहुत इंप्रूव मिलेगा आपको, 80% इंप्रूव 2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, आपके पास के किसी भी स्टोर पे या फिर वो वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे पेट्स के सामान मिलते हो या ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेरे को लगा इस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए क्योंकि फन के साथ एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, छोटी छोटी काफ़ी दिन से क्वेश्चन आ रहे थे तो मेरे को लगा चलो भाई कवर कर देते हैं एक साथ सारी चीज़ों को मिला के। यूट्यूब पे मेरे भाई लोग सबके सब मतलब अलग अलग वीडियोज़ पे जाते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो भाई यही करो। और गाइज लास्ट में जा तक बोलूँगा, पार्वो की जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए फिर से रिपीट करूँगा, वैक्सीनेशन टाइम पर करा लो, अपने पप्पी को पहले 6 महीने के लिए बाहर के भी किसी भी स्ट्रीट डॉग या उनके या किसी अदर डॉग के टच में ना जाने दो, अदर एनिमल या डॉग जहाँ सुसु पट्टी करते हो वहाँ पे बिल्कुल मत जाने दो, उनको संभाल के रख लो 5-6 महीने भाई, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा, वैक्सीन टाइम पे करा लो, डीवॉर्मिंग टाइम पे करा लो बस। जो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ मंथ में एटलीस्ट एक निकाला करूँ बड़ी सी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। चलो।